अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपको ग्रीन टी की रेसिपी आज बताने लगी हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। आप इस तरीके से ग्रीन टी बनाकर देखें, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। उसके लिए आपको इंग्रेडिएंट चाहिए। दो चम्मच मैंने ग्रीन टी लिया, थोड़ी सी मैंने सौंफ लिया और ये मैंने स्टार लीफ लिया 1 और इलायची और ये मीठा सोडा लिया मैंने, बेकिंग पाउडर नहीं लेना, मीठा सोडा। और ये गार्निश के लिए बादाम पिस्ता जो आपको पसंद हो। इसके लिए मैंने पानी लिया आधा जग। इसमें आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के पहले आधा जग पानी का डाल दें। उसके बाद आप ये 2 चम्मच टेबलस्पून है वो ग्रीन टी डालें। उसके बाद ये सौंफ और बादियान का फूल 1 डाल दें। उसके बाद ये मीठा सोडा थोड़ा सा, चुटकी लिया मैंने, सिर्फ चुटकी। ये कलर निकालने के लिए काम आएगा। और ये 5-6 ग्रीन इलायची है और ये बाकी बादाम है गार्निशिंग के लिए। अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं। जला दिया तो वेट करूँगी मैं जब तक इसमें उबाल आता है, तो उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। फिर आपने जब इसको उबाल आएगा, थोड़ा सा इसको 5-10 मिनट आपने पकने देना है, तो उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। कि अभी इसको उबाल आना शुरू हो गया, तो अभी जब ये पकेगा 10 मिनट तो फिर इसका कलर चेंज अभी होना शुरू हो गया, लेकिन अभी इसका कलर पिंकिश टाइप भी जाएगा, जैसे ग्रीन टी का वो कलर पिंक सा होता है ना। एक तो कहवा होता है, अगर आपने कहवा पीना तो आप ऐसे ही उतार सकते हैं। तो अगर दूध वाली आपने सब्ज चाय पीनी है तो उसका कलर अभी आने में थोड़ा टाइम लगेगा। फिर मैं आपको बताती हूँ, इसको 10 मिनट हो जाएंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है। बस मैं यही चीज़ का वेट कर रही थी कि मैं आपको दिखाऊँ। अब ये देखें आप, इसमें कोई कलर ऐड नहीं किया मैंने, बस ये मीठे सोडे की वजह से कलर इसका आया है इस तरह का। अभी मैंने 10 से 12 मिनट सिर्फ वेट किया इसका, ये पक गया। उसके बाद मैं ये ठंडा ठंडा पानी, जो बर्फ़ वाला पानी होता है ना, ये मैंने लिया है, वो मैं इसमें ऐड करूँगी आधा जग। ये बिल्कुल बर्फ़ जैसा ठंडा पानी है। अब आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर जो पिंक कलर का जो है, इस तरह झाग बन गई है। अब मैं इसको अच्छी तरह ऐसे फेंटूंगी ताकि इसमें और मज़ीद कलर आ जाए। इसको आपने तब तक फेंटना है जब तक आप देखेंगे कि ये चीज़ बिल्कुल पिंकिश नहीं होगी। ये जो मैं इसको फेंट रही हूँ, हीट मैंने बिल्कुल स्लो रखी हुई है और वो पहले मैं दूसरे के उसके साथ डोंगी के साथ मैं फेंट रही थी, तो उसके साथ सही फेंटा नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने इस टाइप का मैंने बर्तन लिया। अब आप देख रहे हैं इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया। ये जो मैं इसको फेंट रही हूँ, हीट मैंने बिल्कुल स्लो रखी हुई है और वो पहले मैं दूसरे के उसके साथ डोंगी के साथ मैं फेंट रही थी, तो उसके साथ सही फेंटा नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने इस टाइप का मैंने बर्तन लिया। अब आप देख रहे हैं इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया। क्योंकि अगर इस स्टेज पे अगर आप देखेंगे तो इसका कलर इस टाइप का हो गया। अगर आपको इससे भी डार्क कलर चाहिए तो आप मज़ीद इसको थोड़ा सा और फेंट लें, और ये कोई कलर ऐड नहीं होगा इसमें, और वो तो कलर बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है जिसमें आप पिंक कलर ऐड करते हैं। बाज़ार में जो टी मिलती है वो उसमें लाजमी वो पिंक कलर ऐड करते हैं, और घर की टी अच्छी होती है, सेहत के लिए भी अच्छी होती है और फ्रेश भी होती है। ये आप मज़ीद देखें इसका कलर, ये देखें इस कलर का होगा, मैं इसमें ये डालूँगी तो आप डार्क होना शुरू हो गया। इतनी
जितनी आपने जितने कप आपने बनाना है उतना आप दूध लें। मैंने एक कप दूध लिया और उसके बाद यही वाला जो मैंने कलर अभी बनाया उसका फाइनल लुक ये आया। अब आप देखें इसका कलर, वाओ यम्मी कलर आया। आप इस रेसिपी से बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। और इंशाल्लाह जब आपको मज़ा आए आप ये चाहे मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट दें और लाइक करें, शेयर भी करें। इसको मैंने अच्छी तरह पकाया है, पकने के बाद इसके ऊपर ऐसे मलाई भी आ गई है और इसका ये कलर आ गया। अभी मैं इसको सर्व के लिए कप में डाल रही हूँ। अब गार्निश के लिए थोड़ा सा पिस्ता बादाम, जो आपको पसंद है, हमारे घर में पिस्ता पसंद नहीं किया जाता इसलिए मैं बादाम ऐड कर रही हूँ। ये हमारी चाय तैयार हो गई है, ग्रीन टी। उम्मीद करते हैं कि आपको इसका कलर बहुत अच्छा लगेगा, तो अगर आप इसको ज़रूर ट्राई करें, जब भी ट्राई करें मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपकी चाय कैसी बनी है और आपको ये देखने में कैसी लगी है। और इसको बिस्किट के साथ इंजॉय करें। अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए, आपका दस्तरखान ऐसे हरा भरा रखे अल्लाह ताला, और जिस तरह मैंने अपने घर में बनाई है इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके घर में भी ऐसे बरकत डाले इंशाल्लाह। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल का नाम है पंजाब फूड विद सोबिया सज्जाद। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।